हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म नंबर 135, जो कि अगर आप कुछ लोन लेने के लिए जाते हो या फिर डेथ क्लेम सेटलमेंट के दरमियान में या फिर किसी भी प्रकार के मतलब पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, मुद्रा लोन, किसी भी लोन के केस में आपको यह फॉर्म भरना ही होता है। जो कि फॉर्म 135 कहते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपका एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का विवरण रहता है, मतलब जितने भी आपके प्रॉपर्टीज हैं या फिर अगर आपकी देनदारी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और सीखेंगे इसको कंप्लीट सही तरीके से कैसे भरते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म नंबर 135, जो कि 3 पेज का है। कहीं कहीं पे आपको 4 पेज का भी मिलेगा, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें वही इन्फॉर्मेशन उस 4 पेज में भी रहते हो, कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जिस ब्रांच से आप लोन लेने जा रहे हैं या जिस ब्रांच में आपको ये दिया गया फॉर्म 135 भरने के लिए, हो सकता है ये आपको डिजीज के लिए मतलब डेथ क्लेम सर्टिफिकेट में भी आपको ये काम आ जाए। आपका नाम यहाँ पर डाल देना है। देखिए है यहाँ पर लिखा हुआ नेम इन फुल, आपका डेट एज एंड डेट ऑफ बर्थ, आपके जो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से जितने साल की उम्र हुई आपके वो वहाँ पूरा लिख दें, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम एंड आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंस एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में सेम एज़ पर माई परमानेंट एड्रेस लिख दें या फिर एक लाइन खींच करके डू भी लिख देंगे तो चलेगा। चलिए, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। देखिए मैं जो ये फॉर्म भर रहा हूँ, मैं एक लोन पर्पस के लिए भर रहा हूँ, तो मैं आपको उस पर्पस के लिए मैं भर के दिखा रहा हूँ फॉर्म। अगर आप क्लेम सेटलमेंट के लिए मतलब अगर किसी आपके किसी रिलेटिव्स की मौत हो गई है और उस उनके सेविंग अकाउंट में या एफडी अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उस केस में भी आपको यही फॉर्म भरना पड़ता है। तो उस केस में आप जो विवरण जो भी आपके पास है वही आपको देना पड़ता है, जो कि इसमें मैंने दिया है। चलिए, मैंने यहाँ एक डमी बिजनेस लिया है और यहाँ पे जो भी है एक आपके जो अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो उनका नाम दे दीजिए, मतलब आपके शॉप का जो भी नाम है जिस नाम से जीएसटी पेपर बना हुआ वह यहाँ पे आप दर्शा दीजिए एंड आपका एड्रेस एंड मोबाइल लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है। तो मैंने इसको आप जैसे आपको बताया था कि मैं डमी पर्पस के लिए ले रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन डीलर मैंने लिख दिया है। ये जो MSXYZ ट्रेडर्स कब, इसकी स्थापना कब हुई आपको जीएसटी पेपर पर मिल जाएगा। जिस डेट में आपको जीएसटी पेपर इशूड हुआ वह डेट आप यहां पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी पेपर नहीं है, अगर आपने सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पेपर आपने लिया है, तो उस केस में भी आपको यहां पे वो डेट आपको लिख जाएगा जिस डेट में वो लेटर इशूड किया गया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। चलिए, इन विच कैपेसिटी मतलब आप ये जो XYZ ट्रेडर्स है उसमें आपका रोल क्या है। तो ये प्रोप्राइटरशिप है इसलिए प्रोप्राइटरशिप है, अगर वो पब्लिक लिमिटेड रहता तो उसमें अगर आप डायरेक्टर होते, को डायरेक्टर होते, जो भी होता आपको वहीं यहाँ पर दर्शाना होता। दोस्तों, आपकी एनुअल इनकम जो आप ITR फाइल करते हैं उसमें आपने अपना इनकम कितना दिखाया वही आपको यहाँ पे दर्शाना है। दोस्तों, मेरे केस में यहाँ पे मैंने 5 लाख दिया है। पैन नंबर आपका होना चाहिए एंड अब यहाँ पे आते हैं डिटेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे प्रॉपर्टी जिसको आप यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते, मतलब एक जगह से आपका घर है, घर तो आपका एक ही जगह रहेगा, उसको आप ऐसा नहीं है कि आज दिल्ली में है तो उसी घर को आप उठा करके यूपी में लेकर के चले जाएंगे, उसी को कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। तो प्लॉट ऑफ लैंड, जैसा कि मैंने बताया कि मैं डमी पर्पस के लिए सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बनाया, तो इसको आप देख लीजिएगा, जितनी ज़मीन है वही आप दर्शाइएगा और जो भी ज़मीन आप दर्शाएंगे उसके पेपर आपको सबमिट करने पड़ेंगे, हार्ड कॉपी नहीं सॉफ्ट कॉपी। और ना तो इस जो भी आप प्रॉपर्टी दर्शाएंगे उसके केस में बैंक आपके प्रॉपर्टी पे कोई भी लीन मार्क नहीं करेंगे, यह सिर्फ है कि एक आपको एक प्रोफाइल बना करके देता है कि अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हो तो आपको मतलब कितना मतलब आपका असेसमेंट किया जाएगा, हाँ हम इतना इसे दे सकते हैं। चलिए, प्लॉट ऑफ लैंड हो गया, इस पूरे लैंड में से एग्रीकल्चर लैंड कितना था ये हो गया, एक घर है ठीक है वो दे दिया, और कुछ है तो नील, और जो ये जो विवरण है ज़मीन का और घर का उसका लोकेशन क्या, आप यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे भर दीजिए, लोकेशन हो गया, सर्वे नंबर हो गया, एरिया एंड विलेज, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका लैंड पड़ता है एंड पिन नंबर ठीक है उस लैंड का, प्रॉपर्टी किसके नाम से, तो ऑब्वियसली ये फादर के नाम से इसलिए यहाँ पे फादर का नाम दिया गया,
इसलिए आपको ये जो भी मैंने वहाँ पे दर्शाया वो भी आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज, ये बंसवास से है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ज़मीन, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट एट द टाइम ऑफ, मैंने इसे ख़रीदा नहीं है इसलिए इसे नील रखा गया। प्रजेंट, वर्तमान में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, जो भी एक आपको एक मोटा मोटी जो भी समझ में आए गवर्नमेंट रेट के अनुसार से आप उसे यहाँ पर दर्शा दीजिए। अब देखिए, डिटेल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन माय नेम, मतलब ये जो फॉर्म भर रहे हैं उनके नाम से क्या कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि आप यहाँ से वहाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी देखें दोस्तों बहुत कुछ हो जाता है, LIC हो जाता है, शेयर डिवेंचर्स हो जाता है, जो भी मतलब उसको आप जो ले यहाँ से वहाँ कर सकें। तो मेरे केस में एक LIC पॉलिसी थी तो उसका पॉलिसी नंबर मैंने लिख दिया, किस डेट में मैंने उसे इशू करवा, मतलब कब से वो चल रहा है, उसका पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कितना है, कौन से LIC के ब्रांच से वो मैंने लिया है, तो वह यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। एनुअल प्रीमियम आप कितना भरते हो और कब तक आपने प्रीमियम दे दिया है, याद रखिएगा अगर आप LIC पॉलिसी आप यहाँ पे लिखते हो तो आपको पॉलिसी का पेपर देना पड़ता है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर डिवेंचर्स आपको नील हो गया, टर्म डिपॉजिट कुछ भी नहीं तो नील कर दिया, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है नहीं किया, अगर मैं गोल्ड बॉन्ड वगैरह में अगर इन्वेस्ट किया हुआ होता तो आपको यहाँ पे मैं दर्शा देता, ऐसा अन्यथा नहीं। मेरे नाम से कोई व्हीकल वगैरह है, गाड़ी वगैरह तो एक टू व्हीलर है तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसका नाम लिख दिया। जैसे देखिए क्या, रजिस्टर्ड नंबर टाइप एंड वैल्यू जो है तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। किसी कंपनी में आपकी भागीदारी है, किसी में आपने इन्वेस्ट किया है, अगर नहीं किया है तो नील है, अगर किया है तो अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका एसेट होता है। चलिए 9.5 में आते हैं, और कुछ है जैसे गोल्ड ज्वेलरी वगैरह तो थोड़ा बहुत है तो चलो उसको एक एवरेज दे दिया, और ऊपर से नीचे तक जितनी भी वैल्यू हुई है उसका टोटल अब जब राउंड अप करोगे तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, सॉरी ये एक्चुअली आएगी 41,000, लेट मी करेक्ट इट, ये आएगी 41,20,000 दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, क्या है नेम, और कहीं से आपने लोन लिया है नहीं लिया तो इसलिए यहाँ पे नो दीजिए, ये सब नील रहेगा दोस्त। एंड वहीं पे पर्टिकुलर्स ऑफ लीगल हेयर्स, मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन है, देखिए अगर आपकी शादी हो गई होती तो यहाँ पे आप अपने मम्मी पापा को भी नहीं लिखते, लेकिन शादी नहीं हुई है इसलिए यहाँ पे मम्मी पापा को दर्शाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने अपने फादर और मदर का नाम दिया, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया, प्रेजेंट एड्रेस जो भी है मेरे साथ रहता है तो सेम ही लिखा है। एंड नॉमिनेशन का क्या, किसी बैंक में मतलब किसी ने आपको नॉमिनी अपॉइंट कर रखा है कोई भी बचत खाता में या किसी में भी, तो नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नील रखा है। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ऊपर में दर्शाएंगे, जो भी कॉलम आप उसे दर्शाएंगे उसकी कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे प्लेस आपको लिख देना पड़ेगा एंड डेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एंड दैट्स इट दोस्तों। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, याद रखिएगा सिग्नेचर हर पेज पे है, जैसे देखिए मैंने सिग्नेचर हर पेज पे किया है सिग्नेचर दोस्तों। तो दोस्तों यह था बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म 135, जो कि आपको लोन लेने के दरमियान में या फिर डेथ सर्टिफिकेट डेथ क्लेम के दरमियान में, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ लेकिन उनका पैसा है उनकी मृत्यु हो गई है, उसमें आप नॉमिनी हो या नॉमिनी नहीं हो, किसी भी केस में ये बहुत ही हेल्पफुल फॉर्म होता है, इसको बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आपको दिया जाएगा, इसे भर नहीं होगा। और हाँ, इसमें आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो आप कहीं पर भी चिपका दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो दोस्तों यह था बैंक ऑफ बड़ौदा का 135 फॉर्म, 135 कैसे भरते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।